दोस्तों जानते हैं कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क है। देखिए, जब भी कोई नदी सागर से मिलती है तो वो जो उनका मिलन पॉइंट है उसे बोलते हैं या तो डेल्टा या एस्चुरी। यदि नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है, अवसाद लेकर के आ रही है, तो जब वो सागर से मिलती है यानी सी से मिलती है तो उस जगह पर काफ़ी सेडिमेंट्स जमा कर देती है, यानी कि रेत, मिट्टी, बालू, ये सब जमा कर देती है और एक पंजे जैसा आकार बन जाता है जिसे बोलते हैं डेल्टा। और अगर सेडिमेंट्स लेकर के नहीं आ रही और डायरेक्टली ओशन से मिल रही है और वहाँ पर किसी तरीके का कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा तो उसे कहते हैं एस्चुरी। ये दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं। बे ऑफ बंगाल साइड जो नदियाँ गिरती हैं, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियाँ अरेबियन सी साइड गिरती हैं वो जनरली एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि उनके पास उतना सेडिमेंट होता नहीं है और उतना जमाव नहीं हो पाता। तो ये अंतर है एस्चुरी और डेल्टा में।